हेलो गाइस, तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं कि अगर हम लोग मंथली 100 रुपये इन्वेस्ट करते हैं किसी भी म्यूचुअल फंड में तो हमको ओवर द पीरियड ऑफ टाइम 20 साल बाद या 30 साल बाद हमको कितना रिटर्न मिलेगा, ठीक है। या फिर अमाउंट को हम बढ़ा के 500 कर देते हैं या 1000 कर देते हैं तो कितना अमाउंट हमारा बन जाएगा। क्योंकि हम लोगों को यहाँ पर म्यूचुअल फंड में हम लोग इसलिए इन्वेस्ट करते हैं ताकि हम लोग फ्यूचर में अच्छा खासा वेल्थ बना सकें, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैंने SIP कैलकुलेटर को ओपन कर लिया है। अब यहाँ पर फॉर एग्जाम्पल्स मान के चलता हूँ कि मैं यहाँ पर 100 रुपये इन्वेस्ट करता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पर इन्वेस्टमेंट पीरियड दोस्तों यहाँ पर ले लेते हैं हम, पहले लेते हैं 20 साल, ठीक है। 20 साल के लिए हम लोग इन्वेस्ट करते हैं और अगर आप यहाँ पर एक्सपेक्टेड एनुअल रिटर्न्स की बात करें तो यहाँ पर मैंने 20% ले लिया है, ठीक है। क्योंकि अगर आप यहाँ पर स्मॉल कैप में इन्वेस्ट करते हैं, मिड कैप में या फ्लेक्सी कैप में इन्वेस्ट करते हैं तो यहाँ पर 20-25% आपका रिटर्न मिल जाता है, ठीक है। तो ये जो रिटर्न है उसको आप कम ज़्यादा भी कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ पर 17% भी कर सकते हैं, वो केवल अपनी सहूलियत के हिसाब से है, ठीक है। केवल ये हम लोग एक हाइपोथेटिकल एग्जांपल लेके चल रहे हैं, ठीक है। एग्जांपल है ये केवल और रियल नहीं है, केवल हम लोग एक कैलकुलेशन कर रहे हैं कि अगर हम लोग इन्वेस्ट करते हैं तो हमको कितने रुपए तक मिल सकता है, ठीक है। सो गाइस यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अगर आप यहाँ पर 15% आपको रिटर्न मिलता है 20 साल में तो यहाँ पर आपका जो टोटल अमाउंट इन्वेस्टेड होगा वो 24,000 होगा और यहाँ पर आपका जो टोटल रिटर्न मिलेगा वो 1.5 लाख रुपये का मिलेगा, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं कि यहाँ पर जो इन्वेस्टमेंट पीरियड है उसको हम लोग 20 साल की जगह हम लोग कर देते हैं 30 साल और यहाँ पर जो रिटर्न है वो हम लोग मान लेते हैं कि 20% हमको रिटर्न मिलता है, ठीक है। आपको यहाँ पर आप जो टाइम ड्यूरेशन है वो जितना ज़्यादा होल्ड करेंगे उतना ही आपका जो कंपाउंडिंग इफेक्ट है वो उतना आपको देखने को मिलेगा। अब हम लोग कैलकुलेटर पर क्लिक कर देते हैं। अब दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो टोटल अमाउंट इन्वेस्टेड है वो कितना है, 36,000 रुपीज़ है। हम लोगों ने यहाँ पर 30 साल में केवल और केवल 36,000 रुपीज़ ही इन्वेस्ट किया हुआ है और टोटल हमको जो रिटर्न मिलेगा वो कितना मिलेगा, यहाँ पर देख सकते हैं कि 23.4 लाख रुपीज़ हमको टोटल रिटर्न मिलेगा, ठीक है। अब ये हमको रिटर्न मिल रहा है जब हम लोगों ने यहाँ पर इन्वेस्ट किया हुआ है केवल और केवल 100 रुपये। अब फॉर एग्जाम्पल्स दोस्तों यहाँ पर मैं मान लेता हूँ कि 1,000 रुपये आप इन्वेस्ट करते हैं, ठीक है। तो हम लोग कैलकुलेट कर लेते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपको 1,000 रुपये आप पर मंथ इन्वेस्ट करते हैं तो आपको मिलेगा यहाँ पर 2.3 करोड़ रुपये का आपको यहाँ पर टोटल रिटर्न मिलेगा और आपका जो टोटल इन्वेस्टमेंट कितना होगा, 3,36,000 का होगा। अब दोस्तों बहुत सारे लोग बोलेंगे कि वो इतना लंबे समय में आपको 20% मिलना मुश्किल है, तो हम यहाँ पर सेफ के लिए 15% ले लेते हैं कि 15% तो आपको मोस्टली इंडेक्स फंड होते हैं, जो लार्ज कैप फंड होते हैं उनमें भी मिल जाता है, तो स्मॉल कैप में तो उससे ज़्यादा ही मिलता है, तो सेफ्टी के लिए हम लोग 15% लेके कैलकुलेट कर लेते हैं। तब भी दोस्तों आपको यहाँ पर देख सकते हैं कि 70 लाख रुपये यहाँ पर आपको मिलेगा, ठीक है। तो ये एकदम सेफ रुपये आपको मिलने वाला है। तो ये होते हो गए हमारी कैलकुलेशन। अब दोस्तों आप यहाँ पर इन्वेस्ट कैसे करेंगे, तो यहाँ पर आज हम लोग बात करने वाले हैं एंजलवन मोबाइल एप्लीकेशन से। सो गाइस यह एक प्लेटफॉर्म है, इसको आप लैपटॉप या पीसी में भी यूज़ कर सकते हैं और इसको आप यहाँ पर इसका मोबाइल एप्लीकेशन उसमें भी यूज़ कर सकते हैं। देख सकते हैं दोस्तों कि मैंने यहाँ पर ओपन किया हुआ है। अब यहाँ पर ऊपर आप देखेंगे तो स्टॉक्स का, F&O का और यहाँ पर म्यूचुअल फंड का ऑप्शन मिल जाता है, तो आपको म्यूचुअल फंड पर क्लिक कर देना है। अब दोस्तों आपका जो पोर्टफोलियो होगा सबसे नीचे आपको कुछ ऑप्शन देखने को मिल जा रहे होंगे, जैसे कि डिस्कवर का और पोर्टफोलियो का। तो आपने अगर इन्वेस्ट किया होगा किसी म्यूचुअल फंड में तो आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा, जैसे कि मैंने यहाँ पर 2 फंड में इन्वेस्ट किया हुआ है तो ये आपके दोनों फंड यहाँ पर देखने को मिल जा रहे हैं, ठीक है। SIP की बात करें तो यहाँ पर SIP पर मैं क्लिक करूँगा तो किस फंड में SIP है वो भी आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। ऑर्डर की बात करें तो यहाँ पर ऑर्डर्स भी देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पर डिस्कवर पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर देख सकते हैं कि जो मोस्ट बॉट SIP है, मतलब कि जो बहुत सारे लोग यहाँ पर लगातार खरीद रहे हैं, वो ये वाली SIP हैं, ठीक है। अब यहाँ पर देख सकते हैं कि ऊपर ही दिखा रहा है। अब यहाँ पर आपको ऑप्शंस मिल जाता है नीचे, स्टार्ट विथ 100, तो यहाँ पर 100 रुपये से भी SIP स्टार्ट कर सकते हैं। यहाँ पर SIP विथ 500, तो 500 रुपीज़ से भी कर सकते हैं और हाई रिटर्न्स, और ये टैक्स सेविंग फंड दिया हुआ है। यहाँ पर आप नीचे आएंगे तो आपको और भी देखने को मिल जाएगा। अब दोस्तों यहाँ पर आप जो SIP है वो मिनिमम 100 रुपये से भी कर सकते हैं, जैसे कि मैं आपको दिखाने वाला हूँ। तो मैं क्या करूँगा, SIP विथ 100 पर मैं क्लिक कर देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर बहुत सारे फंड आ जाएंगे, तो उनमें से आप जिसमें भी इन्वेस्ट करना चाहते हैं कर सकते हैं, जैसे कि ये दिया हुआ है HDFC स्मॉल कैप फंड, इस पर मैं क्लिक कर देता हूँ। अब दोस्तों यहाँ पर जो SIP है ये ज़रूरी नहीं है कि आपको केवल 100 ही रुपये इन्वेस्ट करने हैं, आप चाहें तो SIP 1,000 रुपये का भी कर सकते हैं, ठीक है। मिनिमम अमाउंट है जो कि आप 100 रुपये करना होगा, देख सकते हैं कि ये दिया हुआ है मिनिमम अमाउंट 100 रुपये। दोस्तों इस फंड के बारे में हम लोग देख लेते हैं, जैसे कोई फंड है अगर हम इन्वेस्ट करते हैं तो उसके बारे में हमको देख लेना चाहिए, तो हम लोग यहाँ पर क्लिक करेंगे दोस्तों, तो यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा कि इसका जो लास्ट 1 ईयर का जो रिटर्न है वो कितना था, तो 52.47% है। तो यहाँ पर 3 साल का जो रिटर्न दिया हुआ है वो 33.14% दिया हुआ है, ठीक है। और यहाँ पर हम लोग देखेंगे 5 साल का जो रिटर्न दिया हुआ 25.16% है। ऑल रिटर्न दिया हुआ है, मतलब कि जब से ये फंड बना हुआ है लगभग 10-11 साल हो चुके हैं, इसका जो रिटर्न है 21.28% का रिटर्न दिया हुआ है एनुअली, ठीक है। यह आपका स्मॉल कैप में आपको अच्छा खासा रिटर्न मिल जाता है।
अब दोस्तों यहाँ पर देखते हैं कि इसकी जो एनएवी है वो कितनी है, तो यहाँ पर देख सकते हैं कि इसकी जो एनएवी है वो 141.36 की है और मिनिमम एसआईपी अमाउंट है 100 रुपीज़ का, ठीक है। अब यहाँ पर देख सकते हैं कि इसका एज है वो 11 साल का फंड है और तो एयूएम की बात करते हैं एसेट अंडर मैनेजमेंट में तो 27,574 करोड़ ये मैनेज कर रहे हैं। लॉक इन पीरियड की बात करें तो निल है। एग्जिट लोड 1% है। एक्सपेंस रेशियो 0.58% है, ठीक है। और यहाँ पर हम लोग जाते हैं तो इसका जो रिस्क है वो वेरी हाई रिस्क है, ठीक है, क्योंकि ये सब क्या है जितने भी इक्विटी में इन्वेस्ट करते हैं वो हाई रिस्क ही होते हैं, तो ये जो सारे के सारे म्यूचुअल फंड आपके हाई रिस्क म्यूचुअल फंड होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर फंड के बारे में, किसी फंड में हम इन्वेस्ट करते हैं तो उसमें सबसे पहले आपको रिसर्च कर लेनी है, ठीक है, और फिर आपका डिसीजन होना चाहिए कि वहाँ पर इन्वेस्ट करना है या नहीं, ठीक है। यहाँ पर मेरे वीडियो को देखकर आपको इन्वेस्ट नहीं करना है, केवल ये वीडियो एजुकेशनल पर्पज़ के लिए है, ठीक है। यहाँ पर मेरी कोई भी फंड को रिकमेंडेशन नहीं है, आपको अपने हिसाब से, अपने रिस्क टॉलरेंस के हिसाब से, अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र है अगर आपका तो उनके हिसाब से आपको यहाँ पर इन्वेस्ट करना है, ठीक है। तो चलिए दोस्तों यहाँ पर मैं 100 रुपये डाल देता हूँ और यहाँ पर पे पर क्लिक करके मैं पे कर देता हूँ, तो जिससे क्या होगा कि यहाँ पर हर महीने की एक फिक्स डेट को, डेट कैसे सेलेक्ट करेंगे, यहाँ पर दिया हुआ है इस पर मैं क्लिक कर देता हूँ, तो यहाँ से आप डेट सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है, कि आप किस डेट को अपना जो SIP है वो चाहते हैं कि आपके बैंक अकाउंट से कट जाए। फॉर एग्जाम्पल्स मैं यहाँ पर 100 रुपये से करने वाला हूँ तो 100 रुपये मेरे बैंक अकाउंट से कट जाए और यहाँ पर इस SIP इस फंड में इन्वेस्ट हो जाए ऑटोमेटिकली, ठीक है, और हमको NAV अलॉट कर दिया जाए। तो मैं यहाँ पर कर लेता हूँ, 5 तारीख को सेलेक्ट कर लेता हूँ, नीचे कन्फर्म पर मैं क्लिक कर देता हूँ, ठीक है। तो ये मैंने कर दिया है। अब दोस्तों ये SIP अब पे 100 पर मैं क्लिक कर देता हूँ। सो गाइस यहाँ पर हम लोग पेमेंट पर आ चुके हैं और यहाँ पर आपको वही बैंक अकाउंट सेलेक्ट कर लेना है जो आपका लिंक है और यहाँ से मैं पेमेंट कर देता हूँ। सो गाइस हमारा जो पेमेंट है वो कंप्लीट हो चुका है और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि लिख के आ रहा है कि SIP ऑर्डर प्लेस्ड और यहाँ पर हमारा जो ऑर्डर है वो प्लेस्ड हो चुका है और ऑर्डर बीइंग प्रोसेस्ड बाय एक्सचेंज, तो एक्सचेंज से हमारा प्रोसेस्ड होगा और फिर हमारा जो पोर्टफोलियो है वो 7 मई को अपडेट हो जाएगा, ठीक है। सो दोस्तों यहाँ पर 100 रुपये इन्वेस्ट किया हुआ है और यहाँ पर गो टू ऑर्डर्स पर हम लोग जाएंगे तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि HDFC स्मॉल कैप फंड का ये इन प्रोग्रेस दिखा रहा है, ठीक है। अब ये जब कंप्लीट हो जाएगा तो अब यहाँ पर पोर्टफोलियो पर नीचे पोर्टफोलियो का ऑप्शन दिया हुआ है, तो यहाँ पे आपका जैसे कि मेरे यहाँ पर 2 फंड दिख रहे हैं, इसी तरीके से वो फंड भी HDFC वाला फंड भी यहाँ पर दिखने लग जाएगा, ठीक है। सो दोस्तों इस तरीके से अगर आप यहाँ पर इन्वेस्ट करना चाहते हैं म्यूचुअल फंड में तो AngelOne मोबाइल एप्लीकेशन से आप यहाँ पर इन्वेस्ट कर सकते हैं। SIP करना चाहते हैं तो SIP कर सकते हैं, ठीक है। अब दोस्तों आपका जो SIP है वो कहाँ पर देखेगा, यहाँ पर SIP का ऑप्शन दिया है उस पर आप क्लिक कीजिएगा, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि पहले हमारा ये वाला भी SIP था, अब यहाँ पर हमारा HDFC स्मॉल कैप फंड भी SIP में हो चुका है, तो यहाँ पर आपको दोनों SIP दिख जाएगा, ठीक है। और जो ऑर्डर्स हैं आपके, ऑर्डर्स पर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ से आपको ऑर्डर्स दिख जाएंगे, यहाँ से आपका टोटल पोर्टफोलियो पर क्लिक करेंगे तो पोर्टफोलियो यहाँ पर आपका दिख जाएगा और डिस्कवर पर क्लिक करके आपको यहाँ पर जो भी म्यूचुअल फंड हैं उनके बारे में सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर आपको देखने को मिल जाती है। सो गाइस इस तरीके से आप यहाँ पर किसी भी म्यूचुअल फंड में अगर इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो यहाँ पर आप इन्वेस्ट कर सकते हैं और ओवर द पीरियड ऑफ टाइम यहाँ पर आप लॉन्ग टर्म में इन्वेस्ट करेंगे तो आपका द पावर ऑफ कंपाउंडिंग काम करेगा और आपका जो वेल्थ है वो बाद में तेज़ी से बढ़ेगा। शुरुआत में स्लो बढ़ता है लेकिन बाद में बहुत तेज़ी से यहाँ पर ग्रो करता है अगर आप लॉन्ग टर्म तक टिके रहते हैं तो। सो गाइस इस तरीके से अगर आप इस तरीके के वीडियो चाहते हैं म्यूचुअल फंड के वीडियो और वेल्थ के वीडियो, अगर आप वेल्थ ग्रो करना चाहते हैं तो मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, यहाँ पर आपको बहुत सारे वीडियो मिल जाएंगे जिसको देखकर आप यहाँ पर वेल्थ के बारे में सीख सकते हैं और अपनी वेल्थ को ग्रो कर सकते हैं। सो गाइस इस वीडियो में केवल इतना ही, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए अपना बहुत सारा ध्यान। थैंक यू।